अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज हम रमज़ान रेसिपीज का आगाज़ कर रहे हैं। तो आज रमज़ान में बहुत अच्छी अच्छी मज़े मज़े की रेसिपीज शेयर करेंगे आपसे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही कॉमन है और हर कोई बना लेता है, लेकिन इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे से परफेक्ट बन जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ दही बल्ले, जो कि बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है माश की दाल 2 कप, 2 कप मैंने ले लिया है, और उसी के हिसाब से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। इसको मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए मैंने सोक करके इसको रखा था, और 6 से 7 घंटे भी हो चुके हैं। तो इसको हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे, और कोशिश कीजिएगा जितना कम से कम पानी आप डाल सकें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा पानी डाल के हमने इसको नहीं पीसना। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल ना होने के बराबर पानी डाला था, तो आपका ये बैटर इसी तरह होना चाहिए, इस तरह से चिपका होना चाहिए। बहुत देर बाद गिरे तो गिरे, फौरन रनिंग नहीं होना चाहिए। ये देखें ये चिपका हुआ है, बहुत देर के बाद गिरे तो गिरे, ये इसकी पहचान है कि आपने इतना पानी डालना है कि आपकी मशीन चले, बस ज्यादा नहीं डालना। तो चलिए मैंने एक बैच निकाल लिया है, मैं सारा पीस लेती हूँ। ये देखिए मैंने ये स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, तकरीबन मशीन में आपको इतना ज्यादा पीसना है कि बिल्कुल बारीक सा स्मूथ पेस्ट बन जाए, बिल्कुल चंक्स नहीं रहने चाहिए उसमें। अब मैंने ये पीस लिया है, इसके बाद मैं इसको, आपके पास हैंड बीटर है तो हैंड बीटर से इसको खूब फेंटिएगा। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है, तो मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इसको अच्छे से इसको बहुत ज्यादा फेंटूंगी, इससे बहुत ज्यादा फ्लफी सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। ये मैंने बैटर बना लिया है, इसके अंदर मैं 3 से 4 चीजें ऐड करूंगी। आप चाहें तो सिर्फ नमक भी कर सकते हैं, मैं इसमें नमक, जीरा, लाल मिर्च और बेकिंग सोडा इसमें ऐड करूंगी। हाथ से आपने थोड़ी सी देर तक के लिए इसको हिलाना नहीं है, उसके बाद फिर थोड़ी सी देर के बाद इसको हम पलटेंगे। देखें ये मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये मैंने हाथ से डाले थे छोटे, और ये देखें मैंने इस जो आइसक्रीम स्कूप होता है उससे डालेंगे तो बड़ा अच्छा जबरदस्त सा शेप आ जाएगा। तो आपको जो अवेलेबल हो, जो जिस तरह आसानी हो, आप उस तरह से कर सकते हैं। ये मैंने ये पानी ले लिया है, इसमें मैं पकौड़ों को भिगोंगी। इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसको भिगोऊंगी, उसके बाद फिर हाथ से दबा के निकाल लूंगी। ये मैंने इसको स्क्वीज कर लिया है, पानी निकाल लिया है, अब हम दही का मिक्सचर बना लेते हैं। ये मैंने आधा किलो से थोड़ा सा कम मैंने ये योगर्ट ले लिया है, इस पे मैं
चार से पांच टेबल स्पून शुगर डाल दूंगी, आप चाहें तो पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। ये थिक है, इसको थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी, पतली कंसिस्टेंसी मिलाने के लिए आप इसमें दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, क्रीमी, बहुत ही मजे का है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। हमने इजाफी हमने जो तलकिए रखे हैं ये वाले, इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप जिप लॉक बैग में बंद करके और फिर फ्रीज कर देंगे, और जब यूज करना हो तो उसको निकाल के हल्के से नीम गर्म पानी में आप डाल देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर आप जिस तरह का मैंने प्रोसीजर बताया है उस तरह करेंगे। जी, एक मैं झटपट सी आपको एक रेसिपी बताती हूँ, बहुत क्विक है, इजी है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो इसके लिए मैं ये बना रही हूँ डेट बाइट्स। तो ये आप जो रमज़ान में डेट्स खाते हैं तो उसको और अच्छा फ्लेवरफुल करने के लिए मैंने ये रेसिपी क्रिएट की है। तो इसके लिए मुझे ये चाहिए डेट्स, मैंने ले ली हैं। इसके अंदर मैं फिल करूँगी, आप कोई से भी नट्स ले लें जो आपको पसंद है। और इसका एक बैटर तैयार होगा जिसके लिए मैंने आधा कप जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है, दो टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर ले लिया है, एक अंडा और थोड़ा मिल्क ले लिया है, फ्रेश मिल्क जितना मुझे यूज़ करना होगा मैं कर लूँगी बैटर बनाने के लिए, और चुटकी मैं ले लूँगी पिंच बेकिंग पाउडर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेट की फिलिंग करते हैं, इसको मैं बीच में से कट करके अंदर की जो गुटली है वो मैं निकाल दूंगी, और उसमें आप मैं एक बादाम रख दूंगी और एक मैं रख दूंगी कैश्यू नट। अच्छा जी, सब चीजें रेडी हो गई हैं, फिलिंग भी हो गई है, बैटर भी रेडी हो गया है। तो आपके पास अगर छोटे वाले स्क्यूअर्स हैं, मेरे पास इस साइज के हैं, तो आप इसको स्क्यूअर्स में भी लगा सकते हैं और वैसे भी बगैर स्क्यूअर्स के भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके दो स्क्यूअर्स लगा दूंगी ताकि इसका बैलेंस बना रहे। देखिए हमारे बाइट्स तैयार हो गए हैं। अगर आपके पास छोटी स्क्यूअर्स नहीं है तो आप टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े हैं तो उनको छोटा करके भी यूज़ कर सकते हैं, और बगैर स्क्यूअर्स के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ।
नहीं, यमी से हमारे डेट बाइट्स तैयार हो गए हैं। अगर आपके पास मैंगो का मौसम हो और मैंगो हो तो ये मैंगो बाइट्स भी बना सकते हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डेट्स का नया आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा। आप रमज़ान में दावत करें या कुछ भी करें तो ये आप ज़रूर आइडिया आप इसको इम्प्लीमेंट करें तो आपके गेस्ट भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।